शराह के धाकड़ एक्शन पर कैसा होगा परिवार का रिएक्शन। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। तुम इतनी घबराई हुई क्यों? बाऊजी वो वापस आ गया है। वो आ गया बाऊजी। किसकी बात कर रही हो बेटा? कौन वापस आ गया है? हम और किसकी बात करेंगे बाऊजी? वही ये संभव नहीं है। बाऊजी, हमने उसे अपनी आंखों से देखा है। थोड़ी देर पहले वो मॉल में था बाऊजी। बेटा जरूर तुम्हारी आंखों को धोखा हुआ है। तुमने किसी मिलती जुलती शक्ल वाले को देखा होगा। नहीं बाऊजी, उसे पहचानने में हमारी आंखें धोखा नहीं खा सकती। उसे तो क्या, हम उसकी परछाई को भी पहचान सकते हैं। लेकिन इतने अरसे के बाद वो क्यों आया बाऊजी? वो क्या करना चाहता है? Yes, ma'am. How can I help you? देखिए डिजाइन सब बहुत पुराने हैं। कुछ नए दिखाइए, हमें गिफ्ट करने हैं। मैम आपकी प्राइस रेंज? प्राइस की कोई परवाह नहीं है। मैम ये देखिए, ये हमारी शॉप का नया स्टॉक पहले हमारी शॉप में आया है और मैं सबसे पहले आप ही को दिखा रही हूँ। ओके। हम अभी आते हैं। तुम जोर से लिख करो। लेकिन बुआ जी को अचानक क्या हो गया है? चलकर गिफ्ट लेते हैं। बुआ जी गिफ्ट तो मैंने ले लिए। ओ, तो चलो घर चलते हैं। बाऊजी, बाऊजी आपको पता है आज हमने क्या हुआ? सोमनी क्या हुआ है आज? तरुण जी, बाऊजी तुम ये काम बाद में कर लेना, अभी तुम यहां से जाओ। जी। क्या बात है बेटा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? बाऊजी वो वापस आ गया है। वो आ गया बाऊजी। किसकी बात कर रही हो बेटा? कौन वापस आ गया है? हम और किसकी बात करेंगे बाऊजी? वही ये संभव नहीं है। बाऊजी, हमने उसे अपनी आंखों से देखा है। थोड़ी देर पहले वो मॉल में था बाऊजी। बेटा जरूर तुम्हारी आंखों को धोखा हुआ है।
तुमने किसी मिलती जुलती शक्ल वाले को देखा होगा। नहीं बाबूजी, उसे पहचानने में हमारी आंखें धोखा नहीं खा सकती। उसे तो क्या, हम उसकी परछाई को भी पहचान सकते हैं, लेकिन इतने अरसे के बाद वो क्यों आया है बाबूजी? वो क्या करना चाहता है बाबूजी? कहीं फिर से वो लौट आए हो तुम हमारी जिंदगी में क्यों? बाऊजी, वो मैं स्वामिनी दीदी के लिए चाय लेकर जा रही थी, आज वो लंच करने भी नहीं आई, और तरुण बता रहा था उनके सर में दर्द है। हाँ बेटा, उसका सर भारी था, आराम नहीं मिला काफी दिनों से, इसलिए आराम कर रही थी। तुम चाय बाद में ले आना बहू। ठीक है बाबूजी। वैसे स्वामिनी दीदी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मेरा मतलब, वो आजकल इतनी खामोश रहती हैं, हमेशा अपने कमरे में रहती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो और वो हमें बता नहीं रही हो? नहीं बेटा, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। पिछले हफ्ते विराट और मानवी की शादी में व्यस्त रही, फिर उसका वो एनजीओ का काम। वैसे बाबूजी, मुझे ऋषिकेश की चिंता हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा होगा उस घर में। आपकी वीरेन से कुछ बात हुई क्या? नहीं बेटा, बात तो नहीं हुई, लेकिन मैं फोन जरूर करूंगा। मैं तुम्हें लाख दुआएं भी दूं ना, तो कब होगी? शुक्रिया बीजी। सॉरी, आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना अगर मैं आपको बीजी कह के बुलाऊं? मैं अपने आप को आज बहुत ज्यादा खुशकिस्मत समझ रहा हूं। महेश अंकल, जिन्होंने हमारी इतनी मदद की, आज मैं उनके घर वालों के कुछ काम आ सका। अरे, इस सब के बीच हम मानवी की पग फेरे की रस्म ही भूल गए। ब्याह के बाद हमारी बेटी पहली बार घर आई है। लौटी नहीं हूँ, जबरदस्ती आई हूँ भाग भाग के। अगर मेरी पग फेरे की रस्म आज भी पूरी नहीं ना, तो मैं चंडीगढ़ वापस। अरे रुक तो बेटा, मैं अभी तेरे वास्ते रस्म की थाल सजा के लाती हूँ, ठीक है? ए दुश्मन, थाली सजा के लाना, अपने आप को नहीं सज के सज के। अच्छा तो आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं चलता हूँ। अरे नहीं बेटा, चाय नाश्ता तो करके जाओ। नहीं नहीं, मैं चलता हूँ, अब तो मैं आते ही रहूंगा, अब तो ये मेरा भी घर है।
I'm sorry. उस तरह से नहीं। अच्छा तो मैं चलता हूं। भाभी, ये विरहीन के बचपन का कुछ सामान है। उसके कपड़े, उसके खिलौने, उसके हाथ के बनाए हुए कुछ कार्ड्स, ये बचपन की तस्वीर है। ये सब हमारी कवर्ड में था, इसे आप रख लीजिए। दीदी, आप वीरेन से नाराज है ना? विराट और मानवी की शादी वाली रात जो कुछ भी हुआ, वीरेन ने आपसे जो कुछ कहा, उसकी वजह से आपके दिल में वीरेन के लिए? नहीं भाभी, वीरेन के लिए हमारे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। जितना प्यार हम उससे पहले करते थे, उतना अब भी करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। फिर दीदी, वीरेन की बचपन की यादें जिन्हें आप हमेशा संजो कर रख दिया है, उसे आप वापस क्यों कर रहे हैं? जरूर आप उस दिन की वजह से वीरेन से नाराज हैं। भाभी, हम वीरेन से नाराज नहीं है, लेकिन इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि शादी वाली रात जब सब हमसे सवाल कर रहे थे, तब शायद हमें इतना बुरा नहीं लगा था। लेकिन जब वीरेन ने वही सवाल हमसे किया कि जीविका हमारी वजह से घर छोड़कर चली गई, तब हमारा कलेजा छलनी हुआ। चोट सिर्फ हमारे दिल को नहीं, आत्मा को भी लगी। दीदी, वीरेन की प्रतिक्रिया बस क्षण भर की थी। उसके मन में आपके लिए कभी गलत भावना आ ही नहीं सकती। वो आपकी भी उतनी ही इज्जत करता है दीदी, जितनी मेरी। हम भी ऐसा ही सोचते थे भाभी, लेकिन अब हम कुछ और सोचने पर मजबूर हो गए। जरा सोचिए, हमारी जगह अगर आप होती तो क्या वीरेन आप पर उंगलियां उठाता? क्या वो आप पर शक करता भाभी? और वीरेन की जगह अगर हमारा अपना खून होता, हमारा कोई अपना बेटा, तो जो वीरेन ने किया वो ऐसा कभी नहीं करता, कभी नहीं। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, लेकिन एक माँ और एक बुआ में फर्क होता है भाभी, और उस फर्क को कोई नहीं मिटा सकता, कोई भी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।